नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। जिस तरह करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, उसी प्रकार माताएं अहोई अष्टमी का उपवास अपनी संतान की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए करती हैं। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन माता पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन निसंतान महिलाएं भी संतान प्राप्ति के लिए उपवास करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन गुरु पुष्य नक्षत्र भी लग रहा है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार अगर माताएं इस शुभ योग में उपाय करेंगी तो उनकी संतान के जीवन में हमेशा सुख शांति समृद्ध और धन लक्ष्मी का वास होगा। मेष राशि। अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिलाओं को अहोई माता की तस्वीर पर सिंदूर चढ़ाना चाहिए। वृष राशि। संतान के जीवन में सुख शांति के लिए महिलाएं भगवान शिव को सफेद चंदन अर्पित करें। मिथुन राशि। इस राशि की महिलाएं अहोई माता को द्रव्य दक्षिणा भेंट करें। कर्क राशि। इस राशि की महिलाएं अहोई माता को फलों का भोग जरूर लगाएं। सिंह राशि। अहोई अष्टमी के दिन सिंह राशि की महिलाएं 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। कन्या राशि। कन्या राशि की महिलाएं अहोई माँ को सफेद फूल अर्पित करें। तुला राशि। इस राशि की महिलाएं अहोई अष्टमी के दिन माता अहोई को श्रृंगार अर्पित करें। वृश्चिक राशि। इस राशि की महिलाएं अहोई माता की कथा सभी को सुनाएं। धनु राशि। अहोई अष्टमी के दिन धनु राशि की महिलाएं ध्यान लगाकर भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। मकर राशि। इस राशि की महिलाएं अहोई माता को खीर का भोग लगाएं। कुंभ राशि। इस राशि की महिलाएं अहोई माता की पूजा के दौरान उन्हें आलता अर्पित करें। मीन राशि। इस राशि की महिलाएं अहोई माता को सिंदूर अर्पित करें।